नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो साथियों, आप सभी का स्टडी चैंपियन एकेडमी के परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी क्लास में जो टीचर्स लोग क्लास लेते हैं, उनने भी आपसे एक वादा किया था। दो दिन पहले हमने आपसे एक वादा किया था कि स्टडी चैंपियन एकेडमी आपके लिए बहुत जल्द पंचपत्री सीरीज लेकर के आ रहा है। तो फाइनली आज आपका इंतजार हुआ खत्म। आज हम आपको बताते हैं कि पंचपत्री सीरीज आखिर है क्या, पंचपत्री सीरीज कब आने वाली है, पंचपत्री सीरीज के बारे में आपके मन में कुछ ख्याल आ रहे होंगे, कुछ शब्द आ रहे होंगे कि ये क्या बवाल है पंचपत्री सीरीज, यूट्यूब पर ये क्या आया है। तो फाइनली उसके बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, पंचपत्री नाम ही क्यों रखा है, पंचपत्री का अर्थ क्या है, पंचपत्री सीरीज का उद्देश्य क्या है, कौन से सब्जेक्ट कवर होंगे, कौन से टीचर इस जो क्लास को लेंगे, सारी बातों के जो जवाब है आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पंचपत्री जो हमने शब्द रखा है इसका अर्थ क्या है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि पंचपत्री जो शब्द लिया है, जो सीरीज का शब्द लिया है, पंचपत्र पहले से ही एक शब्द बना हुआ है। लेकिन हमने इस सीरीज का नाम क्यों दिया, क्योंकि ये किसी हमारे एक इंसान के दिमाग की उपज नहीं है। स्टडी चैंपियन एकेडमी की पूरी टीम बैठी, उनने डिसाइड किया कि ये नाम रखना चाहिए। अब ये क्यों रखा, इस पर हम अभी बात करने वाले हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूं कि पंचपत्र यानी कि हम अगर हिंदू शास्त्र के अनुसार देखते हैं तो जैसे हमारी आत्मा होती है, वो पांच तत्वों से मिलकर बनी होती है। कौन से तत्व, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इन सब से मिलकर के हमारी आत्मा बनती है। देखिए, पूरा ब्रह्मांड है, उसमें बहुत सारे तत्व है, लेकिन पांच महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से हम पंचपत्री सीरीज आपके सामने लाए हैं। उसका अर्थ यह है कि पंचपत्री सीरीज के अंदर आपको पांच ऐसे फैक्ट दिए जाएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसी क्लासेस मिलेगी जो मिसलिनियस की क्लास लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा भर भर के डेटा देते, वो चीज यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाली है। यहाँ आपको वो सवाल मिलेंगे, वो क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके जवाब मिलेंगे जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पांच फैक्ट, कम से कम पांच फैक्ट रहेंगे, उससे ज्यादा फैक्ट भी हो सकते हैं। फैक्ट आपके जो रहेंगे वो रहने वाले इमेज के रूप में, ज्यादा से ज्यादा आपको इमेज दिखाई जाएगी, आपको ट्रिक प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपको कहानी समझाई जाएगी, किस तरीके से पूरी ये सीरीज आपके सामने आएगी, कैसे उसको समझाएंगे, वो अब आपको सर बताने वाले हैं। सर प्लीज, सर बच्चों को बताइए। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता चली गया कि अब आपका फाइनली अब जो आपका वेटिंग का समय था वो खत्म हो चुका है। कल शाम से हम लोग आपके सामने आ जाएंगे। जैसा कि पंचपत्री से आप समझ गए, पांच तत्व, ऐसे ही सब्जेक्ट की जो मर्म होती है ना, किसी भी टॉपिक के पीछे का जो भी रीजन, जो भी कहानी, जो भी ट्रिक्स, जो भी इमेज रहेगी, उनके द्वारा हम समझाने की कोशिश करेंगे। और आपको वही चीजें दी जाएगी जो वास्तविक में एग्जाम ओरिएंटेड हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी फालतू का ज्ञान बढ़ा रहे हैं, वो ऐसी चीज नहीं। आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो कहीं ना कहीं पूछी हुई है, जो भविष्य में पूछे जाने की उम्मीद है, चांसेस है, हर चीज के पीछे का कारण, तर्क और कहानी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह अशोक, अशोक ही क्यों लिया, उस समय की क्या परिस्थिति रही होगी, अशोक को लेने के, अशोक चिन्ह स्तंभ को लेने के पीछे का और भी कुछ कारण हो सकते हैं, तो क्या कारण थे, यही क्यों लिया, और चिन्ह क्यों नहीं लिया, उस समय की भौगोलिक परिस्थितियां क्या थी, तो सारनाथ जाके लिया, उस समय जहां लोग थे वहीं से ले सकते थे। तो इन सभी चीजों के पीछे मेरा कहने का तात्पर्य कि जो कहानी वास्तविक में है उन चीजों पर हम बात करेंगे, वही चीजें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम, आप लोग कल आइए और एक बार हमारे चैनल पर विजिट करके देखिए। कल शाम को 8 बजे हम लाइव रहेंगे आप सबके साथ, तो आप कोशिश करना कि आप लोग एक बार आए और देखें कि आपके लिए है नहीं है। हर एग्जाम ओरिएंटेड है। आप चाहे किसी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, या किसी स्टेट की एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या आप आर्मी, अग्निवीर, एयरफोर्स, एनडीए, एफकेट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत धूमधाम से आने वाली है। जैसे कि झमाझम हम लोग आज आपके सामने है, ऐसे हमारी जो सीरीज है कल की पंचपत्री, वो भी झमाझम शाम से आप सब लोगों के साथ में रहेंगी। अधिकतर समय मैं ही आपके साथ बना रहूंगा 85%, और बाकी बीच बीच में महेंद्र सर आपको आते रहेंगे और गाइड करते रहेंगे, और करंट से महेंद्र सर आपको अपडेट करवाते रहेंगे। तो आप लोग सब
कल से बने रहे। साथियों जैसा कि अब आपको समझ में आ चुका है कि पंचपत्री सीरीज ये क्या बवाल है, तो इसी बवाल के साथ में मिलेंगे आपको कल यानी कि सोमवार के दिन 8 बजे, शाम 8 बजे आना बिल्कुल ना भूलिए। शाम को 8 बजे आप आइए, सर आपको क्लास में मिलेंगे और सर के साथ में आप इस पंचपत्री सीरीज का मजा लीजिए। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।